नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें मैं आज बात करूंगा 11 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक का राशिफल कैसा रहेगा, आप सबका कैसा रहेगा ये सप्ताह, क्या करना होगा आपको इस सप्ताह में और क्या नहीं करना होगा इस सप्ताह में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दबाइएगा उस लाल बटन को और साथ में जो आ रही है बेल उसको दबाइएगा, जिससे आप सारे नोटिफिकेशन एकदम से पा पाएँ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम मेष राशि से। इस सप्ताह में थोड़ी बहुत यहाँ पर अड़चनें दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा का गोचर आपके छठे से लेके आठवें तक जाएगा, इससे कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। षड्यंत्रों से बच के रहें, हो सकता है कि कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं। कुछ मामलों में आपका साथ देगी किस्मत और धन लाभ के यहाँ लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो दोस्तों की मदद यहाँ पर आपको मिल सकती है। कोई रुका हुआ काम भी आपका इन दिनों में पूरा हो सकता है। प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवादों से उतना दूर रहेंगे, जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए भी मिला जुला रहेगा ये सप्ताह, और जीवन साथी के साथ हालांकि कहीं वीकेंड पे यानी कि आने वाले सप्ताह के वीकेंड पे आप कहीं घूमने जा सकते हैं। तो संभल कर चलना होगा इस पूरे सप्ताह में, जिससे आप अच्छे से ये सप्ताह बिता पाएं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की, तो कोई अच्छी खबर यहाँ मिल सकती है। कुछ लकी सप्ताह आपका ये साबित हो सकता है। पांच में से सात में भाव में आपके चंद्रमा घोषित करेंगे, तो नौकरी और बिजनेस से बड़ी योजनाएं कुछ बना सकते हैं और उन पर काम भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान से अपने काफी ज्यादा आप यहाँ पर चीजों को अपनी तरह से मोड़ पाएंगे, हालांकि रोजमर्रा के कामकाज निपटारे में भी आपको खुशी यहाँ पर मिलती मिलेगी। लव लाइफ के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुख में रहेगा, पत्नी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए ये सप्ताह काफी अनुकूल कहा जा सकता है। हेल्थ के हिसाब से बात करूँ तो थोड़े बहुत कोई पुरानी बीमारी को लेके आप लोग थोड़ा बहुत परेशान यहाँ पर रह सकते हैं। बात कर लेते हैं जैमिनी वालों के लिए, तो कामकाज से जुड़ी टेंशन से थोड़ा बहुत मन आपका थोड़ा परेशान रह सकता है। प्रॉपर्टी के मामलों में भी समय निवेश करने के लिए अभी ठीक नहीं है, खर्चा थोड़ा बढ़ रहा है आपका। इससे आपके मन में कंफ्यूजन स्टेट चल रही है कि काम शुरू करें या ना करें। धन भावनाएं और जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा बहुत आप इस सप्ताह स्ट्रेस में रह सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह में आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने स्टेटस को और अपने धन से संबंधित चीज़ों को उठा पाएं, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस देगा। कोई पार्ट टाइम काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, हालांकि अगर आप अनमैरिड हैं और कोई प्रस्ताव की तलाश में हैं तो आपको कोई अच्छा विवाह का प्रस्ताव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, तो कुछ ज़्यादा चेंज आप ना करें इस सप्ताह में, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। और जो पहले से आपने स्टार्ट किया है उस पे आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि आपको धन लाभ भी दे सकता है। सप्ताह मिले जुले परिणाम वाला रहेगा। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा, बार बार फोकस बनाकर रखना होगा। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगी। सप्ताह के बीच में आप थोड़े स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। नौकरी और बिजनेस के कुछ मामलों में फैसले को लेकर टेंशन रहेगी। इन दिनों हो सके तो किसी को पैसा उधार ना दें, वापस आने की स्थिति कम ही दिखाई देती है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, आखिरी तक आप अपने जो काम थे पेंडिंग काम थे वो आपका सही हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे और वीकेंड में कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है। लव लाइफ की अगर बात करूं तो जीवन साथी के साथ संबंध उत्तम रहेंगे। प्रेमियों के लिए समय ठीक कहा जा सकता है। पुरानी गलत फहमियाँ दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब हम बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की, कि लियो का ये सप्ताह कैसा रहेगा। आपकी प्रगति अच्छी रहेगी, ग्रहों की स्थिति काफ़ी ठीक है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में चंद्रमा धन भाव से में रहेगा और आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे।
अपने कामकाज में थोड़ा फोकस की कमी आप देखेंगे। कार्य क्षेत्र में दूसरों से कॉम्पिटिटिव जो एक नेचर होती है वो आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह के कुछ दिन के लिए आप मान के चलें कि आपको कुछ कंपटीशन अपने वर्क प्लेस में देखने को मिल सकता है। हालांकि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे और नौकरी पेशा लोग उनके अधिकारी उनको पूरी वॉच उनके ऊपर रखेंगे, मतलब उनको चेक करते रहेंगे। लव लाइफ की अगर बात करूँ, जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, नहीं तो कुछ मनमुटाव हो सकता है। और प्रेम के हिसाब से ये सप्ताह अभी भी उतार चढ़ाव वाला स्थिति दिखा रहा है। कम्युनिकेशन की एप की स्थिति अभी भी आपके साथ बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कुछ बड़े फैसले लेने से बचे, नहीं तो आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, हालांकि कुछ ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटें जरूर आपको आएंगी, लेकिन समय फिर भी आपका ठीक रहेगा। बड़े कामों को निपटाने के लिए दोस्तों, भाइयों और साथ काम करने वालों की मदद आपको मिल सकती है। अचानक धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फालतू खर्चों को इन दिनों में आप कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चलता हुआ काम निपट सकता है जो काम आप सोच रहे थे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये सप्ताह रहेगा। अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी की तैयारी के ताक में थे तो वो मिल सकती है, लेकिन वो तभी मिलेगी आपको जब आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे। किसी के ऊपर कोई टीहा टिप्पणी ना करें। लव लाइफ के लिए भी समय सही रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अब तुला राशि की बात करूं अगर, तो इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी खर्चों के साथ होगी। कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं। फैमिली का भी साथ यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी खास व्यक्ति के साथ बातचीत हो सकती है। गोचर में जो कुंडली में चल रहा है वो धन लाभ होने के योग भी आपको दिखा रहा है। इस सप्ताह आपका गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है। रोजगार के काम का निपटाने के लिए जल्दबाजी ना करें तो अच्छा है, करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ की अगर बात करूं तो ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ सकती है। सप्ताह के बीच में थोड़ा बहुत उचार चढ़ाव, खट्टी मीठी बहसबाजी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो की। तो कोई काम शुरू करना चाहते हैं या कोई बड़ा फैसला आप लेना चाहते हैं तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन की सलाह ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। रुके हुए कामकाज पूरे होने के योग बनेंगे। अधूरे काम निपटने की कोशिश आप करेंगे। कंपटीशन आपको काफ़ी मिलेगा, लेकिन फिर भी आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने दायरे से बाहर निकलकर कई क्षेत्रों में सक्रिय और सफल होते रहेंगे। इस सप्ताह आप कोई खास फैसला भी ले सकते हैं जिससे आपको बड़ा फायदा होने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। बड़ों का सम्मान करेंगे तो परिवार में शांति बनी रहेगी और वो आपको सहयोग भी देंगे। फालतू यात्राएं होने की संभावना है। बड़े लोगों से कांटेक्ट आपके हो सकते हैं। लव लाइफ की अगर बात करूं तो अगर आप किसी को दिल की बात बताना चाहते हैं तो बता दें। पति पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे और लव लाइफ के हिसाब से ये सप्ताह आपका ठीक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि का कैसा रहेगा। 11 से 17 तारीख का राशिफल सप्ताह का। चंद्रमा चलेंगे आपके 10वें भाव से लेकर 12वें भाव तक। इस समय आपको धन लाभ की स्थिति हो सकती है। भूमि भवन खरीदने के योग भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बचत करने की कोशिश करें, फालतू खर्चों पर कंट्रोल करें। खासतौर से विपरीत लिंग वाले लोगों की मदद आपको मिल सकती है। नए लोगों से बातचीत बढ़ेगी। वाहन मकान संबंधित बड़े मामले सामने आ सकते हैं। परिजनों का सहयोग और फायदा हो सकता है। आप इस सप्ताह गुप्त रूप से काम निपटाते चलें। नौकरी पेशा और बिजनेस वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस धनु राशि के जो लोग रहेंगे उनके लिए इस लव लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तनाव अगर कुछ चल रहा था तो वो खत्म होता हुआ दिखाई यहाँ पर देगा। अब कर लेते हैं मकर की बात। मकर वाली के लिए ये सप्ताह ठीक रहेगा। कोई बड़ा फायदा, प्रॉपर्टी, वाहन, नौकरी आदि मामलों में आप भाग्यशाली सिद्ध हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए फायदा रहेगा। साथ काम करने वालों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उनकी मदद आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी और सोचा हुआ कार्य आप पूरा कर पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी समय ठीक रहेगा। पार्टनर आपसे संतुष्ट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों का कैसा रहेगा। थोड़ी बहुत रुकावटों का समय दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी के बड़े का कामों में कोई बड़ा फैसला ना लें। कोई नया निवेश करने से भी 10 बार पहले सोच लें और किसी अनुभवी व्यक्ति की यानी कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन की आप हेल्प लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम अच्छा रहेगा। दूसरों के विवाद में ना दखल दें तो ज़्यादा अच्छा है। खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
कोई पुरानी बात आपको परेशान कर सकती है, कोई राज ऐसा जो आपका है वो आपको परेशान कर सकता है, कहीं मन में ये बात आ सकती है कि मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी है। छोटे छोटे अच्छे काम पूरे करने से आपको फायदा हो सकता है। लव लाइफ की अगर बात करूँ तो लव लाइफ सामान्य रहेगी, जीवन साथी का सहयोग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तूल ना दें तो काफ़ी अच्छा आपके लिए ये सप्ताह रहने वाला है। अब आखिरी राशि की बात कर लेते हैं जो कि होगी पाइसिस यानी कि मीन। पुराने काम निबट सकते हैं, नए काम, नए और बड़े लोगों से मुलाकात यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी में प्रमोशन के लोग यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव इस सप्ताह खत्म होगा, रूटीन कामों से किस्मत का साथ मिल सकता है, सेहत के मामलों में बड़ी परेशानी नहीं होगी, धैर्य से काम लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखें, महत्वपूर्ण कर्मों में फैसले लेने से अनुभवी किसी का सहारा ले लें। लव लाइफ के लिए ये सब सप्ताह सही रहेगा, पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी दूर हो सकती है, तो कुल मिलाकर आपका यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये तो हुई पूरी 12 राशियों की बात। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए तीनों व्हाट्सएप नंबर्स पे आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी एनालिसिस होते हैं वो पेड होते हैं। साथ ही साथ जो वीडियोज़ आप यूट्यूब पे या टीवी पे देखते हैं वो सभी जनरलाइज होते हैं। आपकी कुंडली पर क्या इफेक्ट होगा वो आपकी कुंडली को देखकर ही सटीक रूप से बताया जा सकता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई फरमाइश है या आप कुछ विशेष आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या कम्युनिटी टैब के अंदर जाके हमें मैसेज करके बता सकते हैं। कम्युनिटी टैब में मैं एक्टिव रहता हूँ, जैसे ही आपका मैसेज आएगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए, हमारे चैनल को और बड़ा बनाते रहिए, शेयर करते रहिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, डिसलाइक करें, कुछ और आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। समय देने के लिए धन्यवाद।